नेक्स्ट क्वेश्चन 2008 का सवाल है क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल मूवज इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सलेशन इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड वाइल पासिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर इन टी सेकंड्स सवाल ये टी की वैल्यू क्या होगी हमारे ऑप्शन है वन पॉइंट एट या फिर ट्वेल्व बहुत सिंपल सवाल है इसको देखो पहले अगर मैं स्नैरियो बताऊँ तो स्नेरियो कुछ इस प्रकार है कि आपका पार्टिकल यहाँ पे गया यू वेलोसिटी यहाँ हो गई वी वेलोसिटी एस इसने ट्रैवल किया टी इसने टाइम लिया सवाल यह है कि आपकी जो वेलोसिटी हुई ये 10 से 20 हो गई और एस की वैल्यू एक मीटर है टी की वैल्यू हमें बतानी है क्या होएगा सो so, सबसे पहले तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं वी स्क्वायर इजोगल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस उससे अपना ए की वैल्यू आएगी उसके बाद पहली इक्वेशन लगाएंगे उसमें वी इजल टू यू प्लस ए टी में आपकी ए की वैल्यू डाल के टाइम की वैल्यू आ जाएगी हालाइट तो आपकी वी की वैल्यू का मतलब हो गया ट्वेंटी स्क्वायर इजोगल टू टेन स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय वन थर्टी फाइव तो अपनी ए की वैल्यू हो जाएगी ट्वेंटी का स्क्वायर माइनस टेन का स्क्वायर डिवाइड बाय टू इंटू वन थर्टी फाइव यानी कि ट्वेंटी का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर हो गया अपना फोर हंड्रेड माइनस हंड्रेड यानी कि थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू इंटू वन थर्टी फाइव ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई अभी सॉल्व नहीं करें ऐसे रख लेते हैं तो हो सकता है थोड़ी बात ये लाइफ ही आसान कर दे अपनी अब आपकी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन लगानी है अपने को हमने फर्स्ट uh, इक्वेशन जब लगाई हमने लिखा वी इज इक्ल टू यू प्लस ए टी वी है आपका ट्वेंटी इज इक्वल टू यू यानी कि टेन प्लस ए की वैल्यू आ गई थ्री हंड्रेड डिवाइडेड ये हो जाएगा टू सेवनटी मल्टीप्लाइड बाई टी सॉल्व करके आंसर आ जाएगा सो so, इसको अगर हम इधर ले आए ये टेन बचेगा आ, चलो ऐसे लिख लेते हैं थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू सेवेंटी टी विल बी इक्वल टू ट्वेंटी माइनस यानी कि टेन तो T की वैल्यू हो गई आपकी 270 सेवेंटी मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 300. नाउ ये दो जीरो कट जाएंगे 27 सेवन बाय थ्री इसकी वैल्यू आ गई नाइन सेकेंड्स सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नाइन सेकेंड वुड बी द राइट आंसर